हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो तुम लोग? एकदम मस्त। चलो, एकदम मस्त और जबरदस्त रहना भी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं थर्ड लेक्चर, तीसरा वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि इज एम आर के साथ व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन इत्यादि से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने इज एम आर से वीडियोस जो आपका लेक्चर है शुरू हुआ है, जिसमें स्पोकन और रिटेन इंग्लिश सीख रहे हैं। तो अभी हम लोग इज एम आर वाले क्या बोले उसको, इज एम आर को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में, है ना। तो उसी सिलसिले में आज ये आपका तीसरा वीडियो है। फिर यहां से बदलेगा, और भी चीजें बदलती रहेंगी, है ना। डू, डज, सब आ जाएगा। हैज, हैव, शैल, विल, वाज, वेयर, राइट, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, सब आएगा। मॉडल्स आएगा, कैन, कुड, मे, माइट, सब मैं बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश बोलने में जिस जिस भी चीज की जरूरत है वो सब आपको बताया जाएगा। अंडरस्टूड? स्पोकन एंड रिटन के लिए पूरा 30 दिनों का, 30 डेज का यह पूरा सीरीज होने वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग इसके इससे रिलेटेड, जैसे आज जो मैं आपको बताऊंगा, फिर इस पे बेस्ड आपके लिए प्रैक्टिस वीडियोस भी मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, जैसा कि मैं लेकर आ रहा हूं, है ना। तो आप बस जम के पढ़ते रहो, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। बाकी तो मैं आपको इंग्लिश सिखा के ही छोड़ूंगा, परेशान मत हो, राइट। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज तीसरे दिन का वीडियो ये है, राइट। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसके पहले वाले दो वीडियोस नहीं देखा है और उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस वाला वीडियो है जो नहीं देखा है, ठीक है, तो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोज फर्स्ट। मतलब पहले आप जाओ और उन दोनों वीडियोस को पहले देखो, उसका प्रैक्टिस करो, फिर यहां पे आओ, ठीक है, तभी आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो चीजें बाउंस होंगी, समझ में नहीं आएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पेपर पेन लेके बैठेंगे हमेशा की तरह। ओके, सो लेट्स मूव। सो हम लोग ने देख लिया था कि इज एम आर कहां लगता है, किसके साथ लगता है, उसके साथ वी फोर यूज होता है या नाउन वगैरह यूज होता है, कैसे क्या होता है, सेंटेंस हम लोगों ने देख लिया। इवन क्वेश्चंस बनाना भी सीख लिया था। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इज एम आर जो भी है उसे बाहर निकाल दे रहे थे सेंटेंस से, और फिर क्वेश्चन बन जाता था। जैसे आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो, है ना। आर यू गोइंग टू अ स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। इज शी टीचिंग, क्या वह पढ़ा रही है। एम आई Going to Delhi, क्या मैं दिल्ली जा रहा हूं, है ना। So इस तरह के sentences हम लोगों ने already देख लिया है। अब questions में WH word कहां use होगा। WH word किसे बोलते हैं भैया, जो WH से शुरू हो या H से भी शुरू हो और जिससे questions पूछने में जिसका use होता हो, उसे हम लोग WH words बोलते हैं, right? जैसे what आ गया ना WH, when WHEN, where WHERE, why WHY, whom WHOM, and so on, right? और एक और आता है क्या, how, HOW। तो या जो WH से स्टार्ट हो या H से स्टार्ट हो, ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं, राइट। सो चलिए एक एक करके देखते हैं। आप बस देखिए, हमारा जो तरीका है वो क्या है कि प्रैक्टिस करते हुए चीजों को सीखना, राइट। सीख कर प्रैक्टिस करना ये अच्छी अच्छा टेक्निक नहीं है, क्योंकि 100% सीखने के बाद प्रैक्टिस, मतलब 100% सीखेंगे कैसे, बिना प्रैक्टिस के सीखेंगे कैसे, मतलब पूरा सीखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, पूरा ग्रामर वगैरह पढ़ने के बाद, ट्रांसलेशन बनाने के बाद इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। थोड़ा सा सीखेंगे, बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर थोड़ा सा सीखेंगे, बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, अपने आप सब आ जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, पहले ये देखो, बाद में मैं ये बताऊं,
है ना, अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान से देखना। जैसे वॉट इज द टाइम, क्या समय हुआ है, वॉट इज द टाइम, अंडरस्टूड, इसका क्या मतलब हुआ, क्या समय हुआ या कितना बजे, वॉट इज द टाइम। ओके, सो देखो क्या है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा, वॉट, वॉट का मतलब होता है क्या। उसके बाद क्या लगा, देखो सपोर्टिंग वर्ब लगा, इज एम आर जो भी है ना, उसके बाद जो बाकी चीजें आई हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। वॉट इज योर नेम, फिर से डब्ल्यू एच वर्ड पहले, सपोर्टिंग वर्ब उसके बाद, फिर बाकी चीजें आई। वॉट इज योर प्रॉब्लम, वॉट इज योर फादर, वेयर आर द कीज, डब्ल्यू एच वर्ड, सपोर्टिंग वर्ब, फिर बाकी चीजें। डब्ल्यू एच वर्ड सपोर्टिंग वर्ब, हाउ इज योर ब्रदर, डब्ल्यू एच वर्ड सपोर्टिंग वर्ब, अंडरस्टूड। ओके, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, समझ में आया कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड ही लगेगा, अंडरस्टूड, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड ही लगेगा, उसके बाद ही दूसरी चीज लगेगी। उसके बाद क्या लगेगा भाई, डब्ल्यू एच के वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद इज लग सकता है, एम लग सकता है, आर लग सकता है, डिपेंड करता है, सिंगुलर है तो इज लगेगा, आई है तो एम लगेगा, और प्लूरल है तो आर लगेगा, है ना। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, अगर इज लगा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, एम लगा है तो आई, आई लगेगा, सिंगुलर को हटा दीजिए, आपको पता है सिंगुलर लगेगा कि सब प्लूरल लगेगा, वो इज एम आर पे डिपेंड करता है ना। सो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर, स्टूडेंट, वॉट एवर जो भी, जैसे कि है ना, वॉट इज द टाइम, आ गया ना। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर इज, उसके बाद टाइम, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है टाइम, अंडरस्टूड, वॉट इज द टाइम, अंडरस्टूड, लाइक दैट। वॉट इज योर नेम, वॉट इज योर प्रॉब्लम, अब देखो इसको समझिए, वॉट इज द टाइम मतलब किसी से आपको टाइम पूछना है तो कैसे पूछेंगे, वॉट इज द टाइम, या शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं टाइम प्लीज, अंडरस्टूड ना, बोलना क्या चाहिए, वॉट इज द टाइम प्लीज, राइट, अंडरस्टूड। सो वॉट इज द टाइम, इसका क्या मतलब हुआ, कितना समय हुआ है। वॉट इज योर नेम, ये तो सबको पता है, तुम्हारा क्या नाम है, बसंती, राइट, शोले, देखा शोले, उसमें गब्बर, गब्बर नहीं, बीरू, धर्मेंद्र पाजी बोलते हैं, तुम्हारा क्या नाम है बसंती, है। तो वॉट इज योर नेम मतलब तुम्हारा क्या नाम है या आपका क्या नाम है, अंडरस्टूड। उसी तरह वॉट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी क्या समस्या है। अब इज क्यों लगा, क्योंकि यहां पे देखो, यहां भी इज क्यों लगा, क्योंकि नेम है, नेम्स नहीं है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स नहीं है। मैंने आपको बतलाया है कि हिज, हर, योर, आवर, ये सबसे ऑक्सिलरी वर्ब डिसाइड नहीं होता है, इससे डिसाइड होता है उसके बाद जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी क्या समस्या है। व्हाट इज योर फादर, इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, अंडरस्टूड। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, अंडरस्टूड। आप बोल सकते हैं माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ इज एन ऑफिसर, लाइक दैट। ओके, वेयर आर द कीज, अब देखो यहाँ पे आर लग गया, आर क्यों लगा, क्योंकि कीज है, ये है प्लूरल, तो वेयर आर द कीज, चाबियां कहाँ पे हैं, राइट, बहुत बढ़िया। वेयर का मतलब होता है कहाँ, व्हाट का मतलब होता है क्या। वेयर आर योर किड्स, वेयर आर योर किड्स, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, वेयर आर योर किड्स, राइट। अब आपको करना क्या है, इस तरह के और भी सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करना है। सो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज देयर नेम्स, सॉरी व्हाट आर देयर नेम्स, राइट। तो हर तरह के सेंटेंसेस को आपको उसी से मिलता जुलता और पांच सात, पांच दस सेंटेंसेस बनाना है, राइट। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज हर प्रॉब्लम, व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, व्हाट इज राम्स प्रॉब्लम, राम्स कैसे लिखेंगे, राम्स, इसका
राम अपोस्ट्रॉफ एस, मतलब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया राम का। समझ में आ रही बात? सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज राम्स प्रॉब्लम, व्हाट इज मोहन्स प्रॉब्लम, व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, व्हाट इज द, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ राम, राइट। राम्स मतलब भी राम का, और ऑफ राम भी अगर बोल दिए, ऑफ राम भी बोल दिए, तो इसका भी मतलब क्या हो गया, राम का। अंडरस्टूड? समझ आ रही बात? ओके चलो, तो वेयर आर योर किड्स, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? अब इसी तरह के और सेंटेंसेस आप बोलिए, वेयर आर स्टूडेंट्स, वेयर आर चिल्ड्रेन, वेयर आर my, where is my bag, where is my bike, where is my key, where are my keys, where are my wallet, where is my wallet, where is my pen, where are my books, where are my shoes। समझ में आ रही बात? ऐसे ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। कोशिश करिए लिख के प्रैक्टिस करने का, लिखा हुआ ज्यादा देर तक टिकता है, लिखना भी और बोलना भी। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। सो हाउ इज योर ब्रदर, इसका क्या मतलब हो गया, तुम्हारा भाई कैसा है या आपका भाई कैसा है। हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है, हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है। हु इज देयर, अभी हु का मतलब होता है कौन, हु इज देयर, वहां कौन है, हु इज देयर, वहां कौन है, राइट। आप कैसे बोलेंगे, हाँ, और भी सेंटेंसेस, हु इज शी, हु इज ही, राइट, हु इज हेयर, हु इज देयर, हु इज आउटसाइड द डोर, राइट, हु इज अंडर द टेबल, लाइक दैट, ओके, हु इज ऑन द रूफ, हु इज इन द गार्डन, हु इज ऑन द रोड। समझ में आ रही बात? लाइक दैट। हाउ से भी, हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज योर सिस्टर, हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर मदर, हाउ इज योर फ्रेंड, हाउ इज रमेश, हाउ इज दिनेश, हाउ इज रहीम, हाउ इज बिरबल, हाउ इज अकबर। समझ में आ रही बात? जो मन में आए आपको बस बोल बोल के मुंह पे आपको इंग्लिश को बिठा लेना है। डू यू अंडरस्टैंड? आपके मुंह से इंग्लिश ही निकलनी चाहिए, गलत सही को अभी भूल जाओ। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपको सीखना है तो ओके। तो हु इज देयर हो गया, वहां कौन है, हुज पेन इज दिस, यहाँ आपको छुपा हुआ है, बट इसका क्या मतलब है, हुज पेन इज दिस, इसको मैं देखता हूँ हटा के हटता है कि नहीं, ना नहीं हटता है, ओके, हुज पेन इज दिस, यह कलम किसकी है, हुज पेन इज दिस, राइट, whose pen is this। उसी तरह आप और चार पांच सेंटेंसेस बोल दो भैया, whose book is this, whose dress is this, whose car is this, whose watch is this, whose mobile phone is this। Understood? समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे टाइप पे, यहां पे आपको कहीं भी V4 दिखा नहीं दिखा, तो is, am, are से शुरू से ही हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस बना रहे हैं, एक बिना V4 वाला और एक V4 वाला, तो ये रहा आपका V4 वाला। इसमें क्या है, व्हाट इज ही ईटिंग, राइट, तो WH वर्ड, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट इज रहेगा तो सिंगुलर होगा, एम रहेगा तो आई, आर रहेगा तो प्लूरल, तो यहां पे फिर से सिंगुलर लिखा गया है, तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, इज रहेगा तो सिंगुलर, एम के साथ आई, आर के साथ प्लूरल। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज ही ईटिंग, क्या हुआ इसका मतलब, वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन, What is he eating? वह क्या खा रहा है? What is she not cooking? अब देखिए negative ही आ गया, तब ध्यान दो कि not कहाँ पे आया,
डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले, उसके बाद इज यानी कि सपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। समझ में आया? राइट, एक बार दिमाग में इसको फिट कर लो। सारे सेंटेंसेस जो आपके टेंस में बनने वाले हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो या फ्यूचर के हो, सब का पैटर्न यही रहेगा, इसी स्टाइल में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इज एम आर लग रहा है, कहीं पे हैज हैव लगेगा, कहीं पे हैड लगेगा, कहीं पे विल हैव शैल हैव लगेगा, कहीं पे वाज वर लगेगा, विल लगेगा, विल बी शैल बी लगेगा, इसी तरह लगेगा। बट इसी तरह से हर जगह अरेंज होगा। समझ में आ रही बात? चाहे वो मॉडल से ही क्यों ना हो, कैन कुड में, माइट शैल शुड विल वुड। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? तो हर जगह का अरेंजमेंट ऐसा ही होगा। ओके, सो व्हाट इज शी नॉट कुकिंग? अभी नॉट को भूल जाओ, अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट इज शी कुकिंग, ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलो, शी इज कुकिंग, वह पका रही। इज शी कुकिंग, क्या वह पका रही? व्हाट इज शी कुकिंग, वह क्या पका रही है? डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? और नॉट के साथ बोलेंगे तो व्हाट इज शी नॉट कुकिंग, वह क्या नहीं पका रही है? डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? मान लो 5-6 आइटम बना रही है, राइट, तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज शी नॉट कुकिंग, हाँ, व्हाट इज शी नॉट कुकिंग टुडे, आज वह क्या नहीं पका रही? अंडरस्टूड? लाइक दैट। ओके, और इसी तरह का प्रैक्टिस कीजिए व्हाट इज ही ईटिंग के जैसा, व्हाट इज ही रीडिंग, व्हाट इज ही राइटिंग, व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज रहमान प्लेइंग, व्हाट इज रमेश रीडिंग, व्हाट इज द बॉय डूइंग, व्हाट इज द मदर कुकिंग, व्हाट इज फादर डूइंग, स्टडिंग, रीडिंग, राइटिंग। अंडरस्टूड? इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉट वाला भी प्रैक्टिस उसी तरह से कर लेंगे। व्हाट इज शी नॉट कुकिंग का क्या हो जाएगा? व्हाट इज शी नॉट प्लेइंग, व्हाट इज शी नॉट डूइंग, वह क्या नहीं कर रही है? व्हाट इज शी नॉट प्लेइंग, वह क्या नहीं खेल रही है? व्हाट इज ही नॉट रीडिंग, वह क्या नहीं पढ़ रहा है? अंडरस्टूड? लाइक दैट। Why is she helping students? Why? WH word, supporting verb, subject, उसके बाद V4, फिर बाकी object वगैरह है तो। So why is she helping students? वह students की मदद क्यों कर रही? Do you understand? How is it working so well? यह इतना अच्छा कैसे काम कर रहा है? How is it working so well? How is it working so well? Okay. Why is the train running late? Why is the train running late? Train late क्यों चल रही है? How is Mohan playing? Mohan कैसे खेल रहा है? When is he coming? वह कब आ रहा है? When am I going? मैं कब जा रहा हूँ? Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Why are you doing this? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? Why are you doing this? तुम यह क्यों कर रहे हो? Why are you doing this? तुम यह क्यों कर रहे हो? Understood? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आप हर टाइप के कम से कम 5-5 सेंटेंसेज सब का लिखोगे, ओके? और हो सके तो आप कमेंट करो। अब कमेंट करने, मोबाइल पे टाइप करने में यार इतना सारा सेंटेंस बहुत देर लगेगा। ठीक है, अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो, कंप्यूटर पे कर रहे हो, तो बहुत फास्ट हो जाएगा। आप भले इतना आप लिख के कमेंट मत करो, लेकिन इतना तो आप कमेंट कर सकते हो ना, यस सर, मैंने हर तरह के 5-5 सेंटेंसेज, टोटल मैंने 100 सेंटेंसेज या 120 सेंटेंस या जितना भी बनाया इतना मैंने बना लिया, राइट, और मैंने उसको बोला भी, बिना देखे भी बोला। डू यू अंडरस्टैंड? तब जा करके ना आपका मुंह खुलेगा, राइट, गला साफ होगा और इंग्लिश में सेंटेंसेस निकलने शुरू होंगे। डू यू अंडरस्टैंड? राइट, सो प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, हैव सम फेथ, राइट, इन माय प्रोसेस, मेरे प्रोसेस पे थोड़ा तो विश्वास रखो,
मैंने बहुतों को सिखाया यार, आई विल ऑल्सो मेक यू लर्न इंग्लिश, आपको भी मैं इंग्लिश सिखा दूंगा, डोंट वरी, राइट, परेशान मत हो, ठीक है, बस विश्वास रखो और मेहनत करो, प्रैक्टिस करो. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, अब डे टू डे लाइफ में हम लोग सवाल जवाब कैसे करेंगे, जो अभी तक सीखा है, खासकर डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चंस इज एम आर के साथ कैसे यूज करते हैं. अंडरस्टूड? सो लेट्स सी केयरफुली, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे. ओके, कौन सा कलर ले, रेड ले लेते हैं, दिखेगा, दिखना तो चाहिए, चलो ये दिखेगा अच्छा से, दिख रहा है ना? यस, राइट. व्हाट इज द टाइम, मतलब कितना बजा है, कितना समय हुआ है. जवाब इसका कैसे देंगे? इट्स 10 o'clock, 10 बजे. इट्स 10 o'clock. इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 8 बजे हैं. या इट्स 8 AM, इट्स 7 PM. पीएम मतलब 12 बजे दिन के बाद, रात के 12 बजे तक पीएम होता है, राइट? अंडरस्टूड? और बाकी जो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक एएम बोलते हैं ना, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप और ऐसा 5 sentences बना लो, 10 sentences बना लो. अंडरस्टूड नॉट? राइट. व्हाट इज योर नेम? सो आप बोल सकते हैं आई एम सोहम, आई एम रमेश, आई एम राजेंद्र, आई एम जो भी बोलना है बोलो यार, आई एम खान, राइट, आई एम प्रसाद, लाइक दैट. ओके, या सिंपली आप बोल सकते हैं सोहम, राइट, सिर्फ आप नाम भी बोल सकते हो, गौरव, राइट, लाइक दैट. ओके, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी क्या समस्या, व्हाट इज योर प्रॉब्लम. अब इसको कैसे हम लोग बोलेंगे भाई, इसका जवाब कैसे देंगे बताओ. तो जवाब देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बोलेंगे नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग. अंडरस्टूड? या अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलेंगे हाँ, राइट, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार लगी हुई, आई एम सफरिंग, मुझे बुखार है को कैसे बोलेंगे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, राइट. ओके, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं? तो माय फादर इज अ फार्मर, या टीचर, या बिजनेसमैन, लाइक दैट. अंडरस्टूड नॉट? वेयर आर द कीज, कीज कहाँ हैं? दे आर ऑन द टेबल, आप बोल सकते हैं वे दे आर ऑन द टेबल, वे टेबल पर है. या बोल सकते हैं आई हैवंट सीन, मैंने नहीं देखा है. अब वो सारे चीजें अभी हम लोगों ने सीखा नहीं है, राइट, इसीलिए हम लोग उसका अभी यूज नहीं कर रहे हैं, राइट. सो दे आर ऑन द टेबल, दे आर ऑन द चेयर, दे आर ऑन द सोफा, दे आर ऑन द डाइनिंग टेबल, दे आर इन योर पर्स, इन योर बैग. अंडरस्टूड? लाइक दैट, ऐसे आप बोल सकते हैं. वेयर आर योर किड्स, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? दे आर एट द स्कूल, वे लोग स्कूल में हैं. दे आर इन द गार्डन, वे लोग गार्डन में. दे आर ऑन द रूफ, वे लोग छत पे हैं. दे आर प्लेइंग ऑन द रूफ, वे लोग छत पर खेल रहे हैं, लाइक दैट. दे आर स्लीपिंग, वे लोग सो रहे हैं, लाइक दैट. ओके, हाउ इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कैसा है? ही इज फाइन नाउ, ही इज फाइन नाउ. देखो, ही इज कॉन्ट्रैक्शन, ये सब मैंने आपको बतलाया, ही इज का कॉन्ट्रैक्शन, ही इज फाइन नाउ, वह अब ठीक है, राइट. हाउ इज द वेदर, आप क्या बोल सकते हैं? इट इज वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी. इट इज वेरी कोल्ड टूडे, आज बहुत ठंडी है, राइट. इट इज रेनिंग, आज बारिश हो रही, लाइक दैट. अंडरस्टूड? या बोल सकते हैं इट इज लाइक टुमारो, इट इज लाइक यस्टरडे, कल ही के तो जैसा है. इट इज लाइक यस्टरडे. हु इज देयर, वहां कौन है? तो आप बोल सकते हैं ही इज माई ब्रदर राजेश, वह मेरा भाई राजेश है, राइट. शी इज माई कजिन, राइट, लाइक दैट. ओके, या बोल सकते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, लाइक दैट. ओके, हुज पेन इज दिस, या किसकी कलम है? तो आप बोल सकते हैं दिस इज माई पेन, या सिंपली बोल सकते हैं अगर कोई बोले हुज पेन इज दिस, या किसकी कलम है, तो आप बोलिए माइन, मेरा है. माइन का मतलब ही मेरी कलम है, डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे पेन लगा हुआ है ना, अगर रहता हुज कार इज दिस, आप सिर्फ माइन बोलते, इसका ही मतलब हो जाता यह कार मेरी है, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, समझ में आ रही बात, लाइक दैट.
ओके, या बोल सकते हैं दिस इज हिज पेन, दिस इज द पेन ऑफ द प्रिंसिपल, दिस इज द पेन ऑफ माय फादर, दिस इज लाइक दैट. अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया. कोई दिक्कत रहे कमेंट करना है भाई. और कुछ देख लेते हैं, और भी कुछ कैसे हम लोग सवाल जवाब करेंगे डे टू डे लाइफ में. ओके, आर यू वॉचिंग द टेलीविजन? क्या तुम टेलीविजन देख रहे हो? देखो वी फोर वाला क्वेश्चन आ गया, राइट? आर यू वॉचिंग द टेलीविजन? क्या तुम टेलीविजन देख रहे हो? तो आप जवाब क्या देंगे? या तो यस में बोलेंगे, नहीं तो नो में बोलेंगे. यस आई एम वॉचिंग द क्रिकेट मैच. यस आई एम वॉचिंग द क्रिकेट मैच, राइट? समझ में आ रही बात? लाइक दैट. या बोलोगे नो नथिंग स्पेशल. आप क्या बोलोगे? नो सॉरी, आप क्या बोलोगे? नो आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन. नहीं, मैं नहीं देख रहा हूं टेलीविजन, राइट? आर यू गोइंग नाउ? क्या तुम जा रहे हो? आप क्या बोलेंगे? यस, हाँ, सी यू टुमारो. आप बोल सकते ना ऐसा, हाँ सी यू टुमारो, कल मिलते हैं. कोई पूछ रहा आप निकल रहे हैं, तो कोई पूछा आपसे क्या तुम जा रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ हाँ कल मिलते हैं, राइट? इंग्लिश में यस सी यू टुमारो. अब यहीं पे आप ऐड कर सकते हो कुछ, तो डब्ल्यू एच वर्ड वाला हो जाएगा. कैसे? जैसे कि आप यहाँ पे ऐड कर दो वेयर आर यू, सॉरी ये यहां पे डालो, वहां पे नहीं भाई, यहां पे. वेयर आर यू गोइंग? तुम कहां जा रहे हो? तो आप क्या है? अब इसका जवाब बदल जाएगा. अभी अभी ये नहीं पूछा जा रहा है कि जा रहे हो कि नहीं जा, अब ये पूछा जा रहा है कि कहां जा रहे हो, राइट? जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, उसके लिए होगा आर यू गोइंग. तो यहां पे आंसर हो जाएगा यस या नो में. लेकिन तुम कहां जा रहे हो तो इसका जवाब क्या होगा? यस नो. इसका जवाब आपको बोलना पड़ेगा ना, समझ में आ रही बात? तो जब आपको हाँ ना में काम नहीं चले तो हमारे डब्ल्यू एच वर्ड्स लगते हैं. लास्ट लेक्चर में भी आपको बतलाया था. ओके, सो वेयर आर यू गोइंग नाउ? तुम अब कहां जा रहे हो? तो आप क्या बोलोगे? तुम अब कहां जा रहे हो, या वेयर आर यू गोइंग? तुम कहां जा रहे हो? तो आप बोल सकते हैं ना आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू माई होम, राइट? आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू स्टडी, लाइक दैट. ओके, या कहीं नहीं जा रहे हो तो आप बोलो नो वेयर, कहीं नहीं जा रहे, लाइक दैट. आर यू एंजॉइंग द फिल्म? क्या तुमको फिल्म मतलब क्या तुम फिल्म एंजॉय कर रहे हो? बोलेंगे नो, इट्स वेरी मच बोरिंग, या बहुत ही पकाऊ है, बोरिंग है. डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा भी आप बोल सकते हो. या आप बोल सकते हो यस इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक दैट. हाँ यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके, इज इट रेनिंग? क्या बारिश हो रही है? आप क्या बोलोगे? या तो हाँ नहीं तो ना, और उसके साथ भी आप चाहो तो कुछ लगा सकते हो. जैसे नहीं, नॉट एट द मोमेंट, इस समय नहीं हो रहा है. इसका यह मत क्या मतलब हो गया? इस मोमेंट पे तो नहीं हो रहा है, इस क्षण नहीं हो रहा है. ओके, लाइक दैट. या बोल सकते हो यस इट इज रेनिंग, हो गया खत्म. इज दैट फोन वर्किंग? क्या वह फोन काम कर रहा है? इज दैट फोन वर्किंग, राइट? जवाब क्या होगा? नो दैट इज डेड, वह तो डेड पड़ा हुआ है, राइट? काम नहीं कर रहा है. या बोल सकते हैं यस इट इज वर्किंग फाइन, या बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लाइक दैट. इज दैट क्लॉक वर्किंग? क्या वह घड़ी काम कर रही है? यस इट्स शोइंग करेक्ट टाइम, हाँ यह सही समय बता रहा है, अंदर बता रही है. डू यू अंडरस्टैंड? इस तरह से आप बोल सकते हैं, राइट? बहुत बढ़िया. आर यू राइटिंग एन ईमेल? क्या तुम एक ईमेल लिख रहे हो? आर यू राइटिंग एन ईमेल? यस टू माई बॉस, हाँ मैं अपने बॉस को लिख रहा हूँ. इसका क्या मैं पूरा लिखने का नहीं जरूरत है भाई. यस आई एम राइटिंग एन ईमेल टू माई बॉस. नो बी स्मार्ट, राइट? क्या हम लोग हिंदी में पूरा का पूरा बोलते हैं? नहीं ना, जितना जरूरत रहता है उतना ही, है ना? तो इंग्लिश में भी उसी तरह करेंगे, यस टू माई बॉस, राइट? हाँ मैं अपने बॉस को लिख रहा हूँ, इसका ये मतलब हो गया. What are you reading? तुम क्या पढ़ रहे हो? WH word वाला question है ना, तो आप बोलेंगे I am reading a novel, मैं novel पढ़ रहा हूँ, या I am reading the newspaper, मैं newspaper पढ़ रहा हूँ, I am reading a story book, I am reading an email, I am reading a story, whatever you want you can say. या आप what are you reading? अब इसमें
आप नहीं बोल सकते हो कि आई एम नॉट रीडिंग, क्योंकि अगला देख रहा है कि तुम पढ़ रहे हो, इसीलिए वो पूछ रहा है व्हाट आर यू रीडिंग। ओके, तो आप क्या बोलेंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको बताना है। ओके, वेयर इज शी लुकिंग एट, वह कहां देख रही है, लुक एट बोलते ना, लुक एट मी, मेरी ओर देखो। वेयर इज शी लुकिंग एट, वह कहां देख रही है, तो शी इज लुकिंग एट द मिरर, वह मिरर की ओर देख रही है, राइट वह मिरर की ओर देख रही है। या आप बोल सकते हैं नो वेयर, कहीं नहीं देख रही है, नो वेयर कहीं नहीं देख रही है। ओके, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम ईटिंग सैंडविच, सैंडविच समझते हो ना, दो गो पाव रोटी लो और बीच में कुछ डाल दो, टमाटर खीरा ककड़ी जो भी है, और थोड़ा सा नमक उमक डाल दो, मन करे तो पनीर वनीर डाल दो कुछ, राइट और तो ये हो गया आपका सैंडविच रेडी। सैंडविच कई तरह का होता है, राइट, कोई कोई तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, समझे या नहीं समझे, बट सैंडविच का मतलब होता है दो चीजों के बीच में दबा हुआ रहना, अंडरस्टूड। तो पाव रोटी वाला सैंडविच खाया ना, ब्रेड वाला, सो आई एम ईटिंग अ सैंडविच, मैं एक सैंडविच खा रहा हूँ, या बोल सकते हो आई एम ईटिंग अ समोसा, राइट, आई एम ईटिंग पाव भाजी, आई एम ईटिंग खिचड़ी, आई एम ईटिंग चपाती, आई एम ईटिंग माई लंच, लाइक दैट। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ओके, सो अब अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो आपको पता ही है क्या करना है, राइट, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के बीच, है ना, दोस्त नहीं भी है तब भी शेयर कर दो, क्या फर्क पड़ता है, किसी का भला तो होगा, है कि नहीं। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो भैया, क्योंकि जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो। और सब्सक्राइब करके ये जो घंटी बना रहता है ना, ऐसा देखा है घंटी, इसमें ऑल का बटन दबाना है, ऑल ऑल, समझ में आ रही बात, तो जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, राइट, अगर ऑल आप नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, अंडरस्टूड, फिर आप शायद उस वो वीडियो ही आपसे मिस हो जाए, वो छूट जाए, अंडरस्टूड, ठीक है। सो और कमेंट, आपको जो पसंद आ रहा है, जो ना पसंद हो आ रहा है, जो भी अच्छा लगे बुरा लगे आपको कमेंट करना है, आपने होमवर्क किया, प्रैक्टिस किया कि नहीं, सब आप कमेंट करो, राइट, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो लाइक करना और कमेंट करना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो फटाक से कर लेना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।